नक्सलगढ़ की निर्माणाधीन सड़क पर नाचे बच्चे, गया रोड बना रहे। सुरक्षा के बीच शुरू हुआ काम नक्सली बनने नहीं देते, लोगों को मार देते। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक धुर नक्सल प्रभावित गांव में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इस गांव में सड़क बनने की इतनी खुशी कि बच्चे निर्माणाधीन सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूमने लगे। करीब 10 से ज्यादा बच्चे एक स्वर में रोड बना रहे गाने लगे। वहीं बच्चों की इस खुशी का वीडियो भी सामने आया है। यह ऐसा इलाका है जहां सड़क बनाना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल सुकमा जिले का करीगुंडम गांव पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ है। इस इलाके में पहले भी कई दफा सड़क बनाने की ग्रामीणों ने मांग की थी, लेकिन नक्सलियों ने मांग करने वाले लोगों को या तो मार दिया था या फिर जन अदालत लगाकर बेरहमी से पिटाई की। यहां सड़क की मांग करने वाली आवाज को नक्सली हमेशा दबा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे इस इलाके में पुलिस की पैठ बढ़ी तो गांव के विकास की कोशिशें तेज हो गई। अब भारी सुरक्षा के बीच सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। इस गांव में सड़क बनाने की कितनी खुशी है वह इन बच्चों के चेहरों से साफ झलक रही है। गांव के ग्रामीण भी बेहद खुश है, पर नक्सलियों के खौफ की वजह से अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। अफसरों की माने तो कुछ ही महीनों के अंदर करीगुंडम गांव में सड़क निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद एम्बुलेंस लेकर बड़ी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिससे इलाके में लोगों को राहत मिलेगी, गांव का विकास होगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।